हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल स्टार्ट स्टैंडर्ड इथैल्पी ऑफ कम्बशन। आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं, कहीं फॉर्मेशन होता है, कहीं कम्बशन होता है, तो उसके लिए डेफिनेशन पढ़ेंगे इथैल्पी चेंज का। कम्बशन जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। दीज आर द एक्सोथर्मिक इन नेचर। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कम्बशन इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज द कम्बशन। ओके, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बीइंग इन द स्टैंडर्ड स्टेट। कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कम्बशन क्या होता है कि एक मोल सब्सटेंस में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या कम्बशन के थ्रू जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, तो वो जो इंथैल्पी रिलीज होती है उस इंथैल्पी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कम्बशन। स्टैंडर्ड कंडीशन हमने बताया क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है, 1 bar प्रेशर होता है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो एक मोल सब्सटेंस के कम्बशन से जो इंथैल्पी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कम्बशन, जिसे हम डेल्टा सी एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटम। ओके, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एटम, तो इसको डिफाइन करना है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही इंथैल्पी चेंज जो होती है, अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करके एटम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। द इंथैल्पी चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अब बॉन्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ ब्रेकिंग 1 mole ऑफ द बॉन्ड्स कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम इन द गैसियस फेज। किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ करके उसे एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए जितनी एनर्जी हमारी यूज होती है या जितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कहीं भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमाइजेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 1 mole बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कम्प्लीटली इन एटॉमिक फॉर्म में, एटम में। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगी और एक मीन बॉन्ड इंथैल्पी होगी। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर कोई है, यहाँ पे अगर कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, द इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी चेंज इन द इंथैल्पी व्हेन 1 mole ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इन गैसियस फेज। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम अगर देखें, तो जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड या जितनी इंथैल्पी चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो हम इस तरह से अगर डिफाइन करना हो तो सिंपली कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज द चेंज इन इंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, चेंज इन इंथैल्पी होती है जब एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड का ब्रेक होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए गैसियस फेज में, तो उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे पॉली एटॉमिक अगर हो, तो वहाँ पे हमारी मीन इंथैल्पी हो जाएगी। इनके इन दिस केस वी यूज़ मीन बॉन्ड इंथैल्पी। फॉर एग्जांपल हम CH4 ले लें, तो वहाँ पे
फोर बॉन्ड हैं सी और एच के, तो रिएक्शन रिएक्शन इंथैल्पीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज एज दीज आर अराइज फ्रॉम द चेंजेस ऑफ कंपनिंग द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। जब भी रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो उस दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में, जैसे रिएक्टेंट अगर है तो वहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और प्रोडक्ट बनेगा, नए बॉन्ड बनेंगे तो वहाँ पे बॉन्ड मेकिंग होगा, तो उस दौरान जो चेंजेस होते हैं इंथैल्पी में वो हमारी मीन बॉन्ड इंथैल्पी में आ जाएगी पॉली एटॉमिक के केस में। ठीक है, अब जैसे कि PCl5 है वहाँ पे पांच बॉन्ड है, पांचों बॉन्ड अगर टूटेंगे तो उसके लिए पांच एनर्जी हो गई, फिर नए बॉन्ड बने तो वो नई एनर्जी हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिएक्शन की इंथैल्पी मिल जाएगी। सबका मीन ले लेंगे, रिएक्टेंट के साइड में जितना रहेगा उसका मीन ले लेंगे, प्रोडक्ट के साइड में जितनी होगी उसका मीन ले लेंगे, और मीन ले करके जब घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, इंथैल्पी चेंज आ जाएगा सिंपल वे में। तो पॉलीएटॉमिक के केस में हम लोग मीन बॉन्ड इंथैल्पी लेते हैं और डाईएटॉमिक के केस में हम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी लेते हैं। अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप अगर देखें, दिस रिलेशनशिप यानी समेशन बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट एंड माइनस समेशन बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट, दिस रिलेशन इज पर्टिकुलरली मोर यूजफुल व्हेन व्हेन द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल। जब ये तभी होता है जब वैल्यूज अवेलेबल ना हो तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। नेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है, द नेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल माइनस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। दिस इज पॉसिबल ओनली इन द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नेट इंथैल्पी रिएक्शन की होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि जब हम पूरा बॉन्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में तोड़ें जितनी एनर्जी उससे रिलीज हो उसमें से प्रोडक्ट की जो बॉन्ड मेकिंग हो रही है, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अगर घटा दें तो हमें जो है टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाएगी। और ये केवल पॉसिबल है कब, गैसियस स्टेट में। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सारे डिफिनीशन लगभग एक जैसे हैं, केवल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इट डिजॉल्व इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है किसी सब्सटेंस की, वो इंथैल्पी चेंज होती है जब एक मोल इस सब्सटेंस का डिजॉल्व करते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। किसी गिवेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना हम सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो, या कह सकते हैं जो एनर्जी चेंज होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होती है, चेंज ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हेन द इंट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इज नेग्लिजिबल। अब जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस केस में होता है, जहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। तो जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है वो इंथैल्पी चेंज होता है कब, जब हम ये डिजॉल्व करते हुए ऑब्जर्व करते हैं सब्सटेंस को, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर कंपेरिजन में है, साल्ट के कंपेरिजन में सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस बहुत नहीं के बराबर होगा। व्हेन आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन सॉल्वेंट द आयंस लीव देयर ऑर्डर्ड पोजीशन ऑन देयर क्रिस्टल लैटिस, दीज आयंस नाउ बिकम मोर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर हम जब आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर
तो वो बॉन्ड्स क्रिस्टल के टूट जाते हैं, वो अपने पोजीशन से आयंस फ्री हो जाते हैं, अब वो फ्री हो जाते हैं सोल्यूशन में मूव करने के लिए। लेकिन उसी समय जो है साल्वेशन ऑफ आयन भी होता है, ठीक है। तो कहने के बाद मतलब एक बार फिर से जान लेते हैं कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस की इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है, इंथैल्पी चेंज होती है जब एक मोल हम उस सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना डिजॉल्व करते हैं, एक मोल डिजॉल्व करते हैं तो जो इतनी इंथैल्पी चेंज होती है उसको सॉल्यूशन की इंथैल्पी कहते हैं। और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होती है वो इंथैल्पी चेंज होती है जब हम ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे कि दो आयंस के बीच की दूरी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कहने का मतलब कि इंट्रैक्शन नहीं के बराबर होता है डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। तो उस समय जो इंथैल्पी होती है उसे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। आयनिक कंपाउंड के केस में क्या है, जब हम आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वो अपने पोजीशन को छोड़ देते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस में, अब वो फ्री हो जाते हैं टू मूव करने के लिए सॉल्यूशन में और कंडक्शन के लिए। लेकिन इन आयंस का सॉल्वेशन भी एक ही समय पे होता है, जब डिसॉल्यूशन होता है तभी सॉल्वेशन होता है। अब हाइड्रेशन ऑफ वाटर यहाँ पे देखते हैं। हाइड्रेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है कि अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन जो बनता है जिसमें आयंस ब्रेक कर जाते हैं तो इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को वाटर के अंदर, किसी साल्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में कितनी इंथैल्पी चेंज होती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन की इंथैल्पी होती है वो इक्वल टू द लैटिस इंथैल्पी और प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी के बराबर होती है। पिक्चर शोज द हाइड्रेशन ऑफ वाटर, देन इंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन ए बी इन द वाटर इज देयर फोर डिटरमाइंड बाई द सेलेक्टिव वैल्यू ऑफ लैटिस इंथैल्पी एंड द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की इंथैल्पी यानी सम ऑफ द लैटिस इंथैल्पी चेंज इन लैटिस इंथैल्पी प्लस चेंज इन हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी विशेष तौर पे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब किसी साल्ट को वाटर के अंदर ही डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लैटिस इंथैल्पी। जैसे यहाँ वर्ड यूज किया गया है लैटिस, तो सॉलिड के लिए यूज किया गया है, ओके। तो जो इंथैल्पी लैटिस के फॉर्मेशन में होती है या ब्रेकिंग में होती है उसको हम लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। लैटिस इंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन कंपाउंड इज द इंथैल्पी ऑफ चेंज इज द इंथैल्पी चेंज विच अकर व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन गैसियस स्टेट, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो लैटिस इंथैल्पी होती है ये इंथैल्पी होती है जब एक मोल आयनिक कंपाउंड जो है गैसियस स्टेट में ब्रेक हो जाता है, यानी जो आयंस होते हैं वो अपने पोजीशन से फ्री हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। अब ये लैटिस इंथैल्पी को डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से इम्पॉसिबल होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लैटिस इंथैल्पी डायरेक्टली बाय द एक्सपेरिमेंट। वी कैन यूज इट इन डायरेक्ट मैथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इन एन इंथैल्पी डायग्राम कॉल्ड द बॉर्नहेवर साइकिल। कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम किसी अगर सॉलिड की लैटिस इंथैल्पी पता करना चाहें एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बॉर्नहेवर साइकिल कहते हैं। बुक में एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl, जैसे कहने का मतलब क्या है कि सोडियम
सोडियम क्लोराइड अगर हमें बनाना है सोडियम और क्लोरीन से, ठीक है, तो एक स्टेप के अलावा उसमें कितने स्टेप होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले जैसे सोडियम क्लोराइड बनाना है Na+ और Cl- से बनाना होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम जैसे सोडियम लिए, उस सोडियम का आयोनाइजेशन करेंगे, सोडियम का आयोनाइजेशन करते हैं। क्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है। तो सबसे जो पहला काम है आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम आयन, फिर वहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं उसको आयन में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों प्रोसेस में जो इंथैल्पी होगी उसको जोड़ करके फिर Na+ और Cl- हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जैसे अगर गैसेस स्टेट में आएंगे तो पहले दोनों को गैसेस स्टेट में लाएंगे, फिर उसका आयनाइजेशन करेंगे एक का और एक में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। फिर इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी इंथैल्पी होगी उसको सम अप कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट बनने में कितनी इंथैल्पी रिलीज हुई है, ठीक है। तो ये होती है हमारी बॉर्न हैबर साइकिल, जो कि एक स्टेप के लिए भी एनर्जी दिया हो, जैसे यहाँ पे एक स्टेप के लिए इंथैल्पी दी हुई है और इतने सारे इंथैल्पीज को जोड़ जोड़ करके देखेंगे तो हमें सेम वही चीज़ मिलेगा, ठीक है। ये हेस लॉ के अकॉर्डिंग है। हेस लॉ में जैसे हमने देखा था कि अगर कोई भी रिएक्शन कराते हैं, अगर एक स्टेप में जितनी इंथैल्पी होती है, अगर उसी रिएक्शन को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में कराते हैं तो हर स्टेप की इंथैल्पी को अगर जोड़ लिया जाए तो वो बराबर होती है एक स्टेप वाले रिएक्शन के। तो उसी तरह से ये आयनिक कंपाउंड के लिए है। तो कभी भी आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए फिर जो हम एलिमेंट लेते हैं, पहला काम तो उसको गैसियस स्टेट में लाते हैं, फिर उसके बाद उसका आयनाइजेशन करते हैं। नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, फिर सारी इंथैल्पीज को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे कि उतनी ही इंथैल्पी हमें मिलती है जितनी कि एक स्टेप में मिलती है। सिमिलर है एकदम बॉर्न हैबर साइकिल, सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है यहाँ पे किस तरह से कोई भी प्रोसेस बिना रोक टोक के अपने आप होता है, जो कि रिवर्सिबल नहीं होता है, ये रिवर्सिबल होता है। जैसे कि अगर हम पानी ऊपर से गिरा रहे हैं तो पानी नीचे की ओर आता जाएगा, मगर वही पानी नीचे से ऊपर अपने आप आ नहीं सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो अपने आप होते रहते हैं, उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे जो कि एक इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। केवल एक्सटर्नल एजेंसी से ही हम उसको रिवर्सिबल बना सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट मे ओनली बी रिवर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज। केवल एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू हम इसको जो है कि रिवर्स कर सकते हैं। इंथैल्पी डिक्रीज इन इंथैल्पी इज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। डिक्रीज ऑफ इंथैल्पी मे बी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर द स्पॉन्टेनिटी बट इट इज नॉट ट्रू फॉर द आर केसेस। इंथैल्पी के घटने के साथ साथ जो है यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी के लिए ये इंथैल्पी चेंज या इंथैल्पी डिक्रीज जो है एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सभी केसेस के लिए नहीं हो सकता है। ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मे बी फर्स्ट बट नॉट मे बी द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट वन। मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट तो हो सकता है लेकिन फंक्शन ऑफ फर्स्ट नहीं हो सकता है। टू गैसेस कैन कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट बट द रेट ऑफ स्पॉन्टेनिटी डिफर फ्रॉम द इक्वेशन टू इक्वेशन। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन है वो डिफर करती है एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं, इंथैल्पी डायग्राम। यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक है,
टोटल इन्थैल्पी यहाँ पे हमने देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जब ये रिएक्टेंट की है या प्रोडक्ट की है, इन दोनों अगर हमें देखना है कि रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, तो जो हीट ऑफ रिएक्टेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन केस ऑफ प्रोडक्ट। तो जब हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की हीट यानी इंथैल्पी ऑफ जो प्रोडक्ट है उसमें से इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जब घटाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो इंथैल्पी चेंज इवॉल्व होती है नेट, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, यहाँ पे रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम होती है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो नेट इंथैल्पी चेंज आता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अपने आप हीट इवॉल्व होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी देखते हैं। एक एंट्रोपी एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, हायर आइसोलेशन हायर द इंथैल्पी, जितना ज़्यादा आइसोलेशन होगा जितना उतना ज़्यादा इंथैल्पी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे चेंज इन एंट्रोपी कॉम्पिन अच्छे केमिकल रिएक्शन मे बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली टेकिंग द सम स्ट्रक्चर इन द माइंड। चेंज इन एंट्रोपी जो होता है इससे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और अगर इसे हम चाहें तो क्वांटिटेटिवली इसको जो है कि एस्टिमेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड विल हैव द लोवेस्ट एंट्रोपी वेयर द गैसेस स्टेट विल हैव द हाईएस्ट। इसका मतलब क्या है, क्योंकि सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में क्या होता है, लोवेस्ट एंट्रोपी इसलिए होती है कि मॉलिक्यूल बहुत कम रेंडम मोशन करते हैं, अपनी पोजीशन में ही खड़े होकर के मोशन करते हैं, जबकि गैसेस स्टेट में एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो उसके पीछे कारण है कि बहुत ज़्यादा रेंडम मोशन होता है हर डायरेक्शन में। एंट्रोपी लाइक अदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंक्लूड द इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी एंड इज स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे ये भी जो एंट्रोपी चेंज होता है वो भी स्टेट फंक्शन होता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ठीक है, एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो अदर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं जैसे कि इंटरनल एनर्जी है इंथैल्पी है, ये स्टेट फंक्शन होते हैं, और स्टेट फंक्शन हम लोग जानते हैं वो जो कि इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करते हैं, किस तरह से इनिशियल से फाइनल में पहुँचे उसके ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं। उसी तरह से जो एंट्रोपी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, ये भी इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करती है। व्हेनेवर हीट इज एडेड टू ए सिस्टम इट मॉलिक्यूलर पोजीशन इंक्रीज द कॉज रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम, दस दिस इज हीट हैज द रेंडमनाइजिंग इफेक्ट। कहने का मतलब जब हम हीट ऐड करते हैं किसी सिस्टम में तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पोजीशंस चेंज होते हैं, रेंडमनेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हीट को ऐड करना जो है एक तरह से हीट के पास रेंडमनाइजिंग इफेक्ट होती है, रेंडम प्रोसेस को बढ़ा देता है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज क्वेटिक मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम। टेम्परेचर से ये डिपेंड करता है कि कितना मोशन कितना होगा, किस डायरेक्शन में कितनी हीट अगर हम देंगे उतना ज़्यादा गैसियस फॉर्म में होंगे, उतना ज़्यादा मोशन करेंगे। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं सबका। हीट एडेड टू ए सिस्टम इज लोअर टेम्परेचर काज द ग्रेटर रेंडमनेस। हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लो टेम्परेचर पे अगर हीट हम ऐड करना शुरू करते हैं तो रेंडमनेस बढ़ जाता है। देन व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज एडेड टू हायर टेम्परेचर, उतनी ही जितना कि हायर टेम्परेचर के केस में हम हीट ऐड करते हैं,
देयरफॉर एंट्रोपी चेंज इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू आर वी रिवर्सिबल रिएक्शन अपन टी। तो टोटल एंट्रोपी अब चेंज जो होता है किसी सिस्टम का, वो सराउंडिंग और सिस्टम की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज के सम के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। जब सिस्टम एक एंट्रोपी सॉरी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस कंडीशन में एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है। जब सिस्टम क्या होता है इक्विलिब्रियम में होता है तो उस कंडीशन में एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और उस समय एंट्रोपी चेंज क्या होती है, जीरो होती है। एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, वी कैन से दैट एंट्रोपी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेज टिल इट रीचेज टू मैक्सिमम। हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एंट्रोपी जो होती है तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो मैक्सिमम पे ना पहुंच जाए, और जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाता है। एक बात सुन ली, कहने का मतलब है कि एक किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो है एंट्रोपी तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो मैक्सिमम तक ना चली जाए, और जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी जीरो हो जाता है। सिंस एंट्रोपी इज ए स्टेट प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टेट प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन होता है, तो यहाँ पे Q रिवर्सिबल अपॉन T हो जाएगा। वी विल फाइंड द बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर द गैस। ओके, लेकिन आइसोथर्मल कंडीशन के लिए जो हमारा डेल्टा U होता है वो जीरो होता है, मगर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम अपर सराउंडिंग इक्वल टू जीरो नहीं होता है। हमारा अगर इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल के लिए जानते हैं कि जीरो होता है तो टोटल सम ऑफ एंट्रोपी चेंज क्या होगा, वो जीरो नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा यू डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस वेयर डेल्टा एस डज। यानी डेल्टा यू का कोई इफेक्ट या नहीं पड़ता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जबकि एंट्रोपी चेंज का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। गिब्स फ्री एनर्जी ये फ्री मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। वी नो दैट नॉर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। फॉर दिस वी डिटरमाइन ए न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन कॉल्ड द गिब्स। कितना न तो घटना न तो बढ़ना एंट्रोपी का हम स्पॉन्टेनिटी से नहीं पता कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक नई क्वांटिटी है जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, और गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन जो होता है जी इक्वल टू एच टी एस होता है। लेकिन अगर इसमें चेंज हो रहा है तो वहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस सिस्टम यानी एंट्रोपी सिस्टम इनटू डेल्टा टी। इसको हम सिंपली अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू एच डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो इस तरह से हम गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन होता है कि हम लोग जानते हैं न तो इंक्रीज और न ही डिक्रीज एंट्रोपी को हम स्पॉन्टेनिटी से पता कर सकते हैं। केवल स्पॉन्टेनिटी हमें बताता है कि कौन सा रिएक्शन अपने से एक डायरेक्शन में जाके कंप्लीट होता है, इरिवर्सिबल होता है, ये हमें पता लगता है।
इसको हमें अगर डिटरमाइन करना है तो एक नया थर्मोडाइनमिक प्रोसेस लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और ये जी इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। ये एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है, तो ये भी फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की जो होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम इक्वल टू गिब्स चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस, यानी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, माइनस एस सिस्टम यानी सिस्टम की एंट्रोपी इंटू डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। इसी चीज़ को हम सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा जी इज़क्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पे थोड़ा और पढ़ेंगे तब और न्यूमेरिकल देखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।